तो फ्रेंड शनिवार का दिन है तो मैं शाम को शनिदेव के पेड़ के नीचे दिया जलाती हूँ। तो उससे पहले मैं अपने जो मैं भगवान जी का उस रखा हुआ है मूर्ति, तो उसके आगे भी मैं रोज जब भी मैं दिया जलाती हूँ तो वहाँ पे भी जरूर से जरूर जला देती हूँ। तो ये है शनिदेव का पेड़। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोनिका स्टाइल टू मी, पर फिर से आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं फ्रेंड्स आप सब? आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे और सब अपने घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे और सबसे बड़ी बात सेफ होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ, खुश हूँ, मस्त हूँ, सेफ हूँ। तो फ्रेंड्स आज मैं अपने पीछे वाले रूम में हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो। शायद मैंने आपको ये रूम अभी नहीं दिखाया होगा, या मैं यहाँ पे आना बहुत कम होता है ना, क्योंकि मैंने आपको ये दिखाया है किसी में थोड़ा बहुत देखा होगा आपने। ये मेरी पीहू का रूम है, मतलब परी का, उसका स्कूल का नाम पीहू है। तो आज उसी के रूम में मैं लेटी थी, रेस्ट कर रही थी, क्योंकि बच्चे एकदम बाहर बालकनी में खेल रहे थे और बिट्टू पढ़ाई कर रही है और विराट का कोई फ्रेंड आया था तो उसके संग वो खेल रहा था। और जो मेरे हस्बैंड है वो इस समय है नहीं, वो आज कहीं घूमने गए हुए हैं मस्ती करने बाहर अपने फ्रेंड्स के साथ। तो अभी मैं यहाँ पे बैठी हूँ इसलिए क्योंकि अभी मेरी परी आई थी और आप देख सकते हो अभी अभी वो मेरे नेल पेंट लगा रही थी, नेल पेंट लगा गई है। मैंने आपको दिखाया था ना कि मैं नेल पेंट लेकर के आई थी, तो अभी अभी पीहू मेरे नेल पेंट लगा गई है और ये देखिए अभी आ गई है, ये देखिए अपना सामान रख रही है। और तो मैं पीछे रेस्ट भी मैंने सोचा ला थोड़ी देर, जब तक ये नेल पेंट हमारी सूख रही है तब तक थोड़ा सा रेस्ट भी हो जाएगा, आराम से बिट्टू के रूम में लेते हैं। और तो चलिए अब रेस्ट हो चुका है तो स्टार्ट करते हैं आज की ब्लॉगिंग। तो आज की ब्लॉगिंग में मैं करने जा रही थी अपने किचन में अपनी क्रॉकरी की सफाई, जो कि मतलब यूज़ नहीं होता है ना, तो ऊपर के साइड रख रखा है मैंने, क्योंकि वो यूज़ बहुत कम होता है। तो जो चीज़ यूज़ नहीं होती है ना तो वो गंदी भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि डस्ट वगैरह तो किचन में आती रहती है। तो बहुत मेरा क्रॉकरी का जो है पूरा तो सब गंदा हो गया है, तो आज उसी को क्लीन करना है। उसकी जो शेल्फ है ग्लास की, उसको भी क्लीन करेंगे आज। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोग के साथ शेयर करें, एक आइडिया आपको भी मिल जाएगा कि अगर स्पेस की कमी है तो किस तरह से आप एकदम अलग इस तरह से ग्लास का एक मतलब शेल जैसा बना के लगा सकते हो। बहुत ही अच्छा था, मुझे बहुत अच्छा लगता है वो, क्योंकि मैंने उसको एकदम अलग से लगवाया ये, क्योंकि मेरे भी किचन में अभी क्योंकि किचन अनकम्प्लीट है तो इस वजह से थोड़ा सा स्पेस का प्रॉब्लम रहता है, इसलिए मैंने वहाँ पे लगवाया है। तो आज मैं अब करूँगी अपनी क्रॉकरी की क्लीनिंग और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। और रिक्वेस्ट करती हूँ पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि जो लोग फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं ना, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो नीचे के साइड बेल का एक ऑप्शन आता है ना तो उसको जरूर प्रेस कर लीजिएगा, और उसमें जो ऑल का ऑप्शन आता है ना उसको सेलेक्ट कीजिएगा, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल सके। और फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने पहले पहले बहुत ढेर सारे कॉमेंट करा करिए, क्योंकि मुझे आपके कॉमेंट पढ़ना और उनका रिप्लाई देना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आप इतने प्यारे प्यारे कॉमेंट करते हो। तो आप लोग कमेंट पढ़ने से मुझे भी हिम्मत आती है कि हाँ मेरे वीडियोस को लोग देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात मुझसे बातें करना लोगों को अच्छा लग रहा है। तो इसलिए कमेंट कीजिए और रिप्लाई मैं जरूर दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। ये देखिए बिट्टू का रूम आपको अच्छा लग रहा है ना, ये स्टिकर्स वगैरह उसने मतलब पसंद किया था और मैंने फिर परचेस किया था, अच्छा लग रहा ना। ये देखो इस तरह से परी के रूम में मैंने साइड में बेड में लाइट लगा रखी है, बीच में मैंने रख रखा है उसका वॉच, जिससे कि वो ईजली उठ सके जल्दी, क्योंकि बच्चे जानते हैं ना उठने में बहुत प्रॉब्लम करते हैं, तो इस वजह से। तो चलिए चलते हैं अपने किचन में और फिर स्टार्ट करते हैं आज का वॉच। तो फ्रेंड्स पहले हम खाना खा लेते हैं क्योंकि भूख लग रही है बहुत तेज। तो देखिए भिंडी की सब्जी बनाई है, रोटी बनाई है और दाल भी है, बट दाल हमें नहीं खानी है तो हम भिंडी की सब्जी और रोटी खाते हैं। तो पहले हम दिन का अपना लंच कर लेते हैं, उसके बाद करेंगे क्लीनिंग, तो आपसे मिलेंगे। आ चुके हैं अपने किचन में, तो जैसा कि आप देख रहे हो कि इस समय मैं किचन में हूँ और इसे देखते हो अभी एक दिन मुझे ये सारा भी ऊपर का क्लीन करना है, क्योंकि आप समझ सकते हो कि कल से सावन स्टार्ट हो गया है और कल से क्या मेरा वीडियो ये कल निकलेगा, तो फिर आज से बोल सकती हूँ कि वीडियो जब आप देखोगे तो आज हो चुका होगा।
तो सावन स्टार्ट हो गया है और उसके बाद अब फेस्टिवल रक्षाबंधन वगैरह सब कुछ पड़ेगा। तो कोई भी फेस्टिवल होता है ना तो घर की सफाई करना ज्यादा बेटर होता है। तो आज मैं करूंगी अपने, ये देखिए मैंने बताया था क्रॉकरी की क्लीनिंग करनी, और ये जो ग्लास का ये शेल्फ मैंने लगवाया हुआ है देखो नीचे से इस तरह से, तो इसको भी यहाँ पे हम निकालेंगे और इसकी भी सफाई करेंगे और आपको दिखाएंगे कि मतलब कितना बढ़िया लगता है मुझे ये, कि इसको लगाना भी बहुत ईजी है, हटाना भी बहुत ईजी है। और ये मैं खुद ही कर लेती हूँ, मुझे इसमें किसी की कोई भी मतलब सहायता की जरूरत नहीं है, मैं खुद कर लेती हूँ। तो चलिए इसको हटाते हैं, दिखाएंगे आपको कैसे हटाना है। बट पहले सारी जो कांच का बर्तन है उसको उतार के मैं अपने वहाँ सिंक के पास इकट्ठा कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ वहाँ से। तो विराट आ गए हैं मेरे साथ, तो फटाफट मेरी हेल्प कर रहा है और सारे ऊपर से कांच के बर्तन मेरे को उतार के दे रहा है। आधे मैंने पहले ही उतार लिए हैं प्लेट्स वगैरह, और जो बड़ी प्लेट्स हैं वो मैं नीचे रख रही हूँ। वो सामान है जो डेली यूज नहीं होता है, इस वजह से भी आपको दिखाएंगे कितना ज्यादा गंदा है। देखिए अब ऊपर से ही देखो कितना ज्यादा गंदा हो रहा है ना, ये इस वजह से इसको वॉश करना जरूरी है। तो इस तरह से विराट फटाफट उतार के रखता जा रहा है जिससे कि मेरी हेल्प होती जा रही है, क्योंकि अगर विराटू नहीं करवाता ना तो मुझे को ऊपर चढ़ना पड़ता। इस तरह से आप देख सकते हो कि मेरा विराट कितना ज्यादा हेल्प कराता है ना। और पर इस समय हैली परी अपने जो टीथ का अपना मतलब दिखाने गई है, क्योंकि उसको वीकली बुलाया जाता है, तो वो वहां पे गई है, इसलिए विराट मेरी हेल्प कर रहे हैं। तो यहाँ पे पूरी शेल्फ खाली हो चुकी है और अब मैं इसको भी निकालूंगी और दिखाऊंगी किस तरह से करना है इसको। बताओ मम्मा की हेल्प करते हो नहीं करते हो? हाँ मैं करता हूँ। अपनी मम्मा से कितना काम करवाते हो आप बताओ? आप तो कमेंट बताइएगा, मैं तो आप करवा रहा हूँ, आप देखिए बताइएगा। आप लोग कमेंट बताइएगा कि कितनी मम्मा की हेल्प कराता है। फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि सारे बर्तन यहाँ से हटा लिए हैं और अब ये हटानी है, तो इसको देखते हैं कैसे निकालनी है। तो देखिए ये जो लगा हुआ है ना, ये रिपिट नीचे से आपको दिखाइए, तो ये जो है तो यहाँ से यहाँ तक ही लगनी है, ऊपर वाली इसकी हाफ है, तो उसी के बीच में इसको फंसा देते। देखिए इसको निकालने के लिए एकदम सीधा सीधा ऐसे करके ऐसे आगे साइड खींच लेंगे, और ये काफी वेटेड है, ये देखिए इस तरह से कितना गंदा है आपको दिख रहा होगा। तो इस तरह से निकाल लेते हैं और ऊपर इसमें रिपिट लगी हुई है, तो इसको टाइट करना है, तो आप वहां पर नट इसका टाइट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं अपना जो ग्लास है उसको मैं फटाफट से रगड़ के साफ कर ले रही हूँ, कि आप देख सकते हो डस्ट और स्टेन कितना ज़्यादा है पानी का, डस्ट का। तो उसको फटाफट से मैं यहाँ पे साफ़ कर ले रही हूँ। ये वेटेड बहुत ज़्यादा है इसलिए इसको इस तरह से मैंने रखा हुआ है, मतलब थोड़ा सा भी अगर डिसबैलेंस होगा तो ये टूट जाएगा, इसलिए एकदम बराबर से मैंने रख रखा है। और फटाफट से मैं इसको यहाँ पे वॉश कर लेती हूँ। तो इस तरह से देखिए मैंने इसको वॉश कर लिया है, इसको मैं साइड में रखूंगी और बाकी के मैं सारे बर्तन जो है मेरे गंदे, तो इसका जो पीछे का हिस्सा होता है ना वो क्योंकि उल्टा करके रखते हैं तो डस्ट जो है एकदम इस पर जम गई है, और बहुत ज़्यादा बर्तन नहीं है कि मेरे को पानी गर्म करना पड़ता, हल्का गुनगुना उसमें सर्फ वगैरह डाल के मैं करती, थोड़ा सा बर्तन है, मतलब कांच की प्लेटें और कप और डेली जो मतलब इससे यूज़ होते हैं ना कप वगैरह, तो वो मैंने नीचे ही लगा के रखे हुए हैं। और ये पूरा मतलब खाने का सेट है, बाउल्स वगैरह छोटे बड़े बाउल, छोटी प्लेटें बड़ी प्लेटें, तो वही सब ऊपर रहता है, तो जिसका मैं यूज़ नहीं करती हूँ ज़्यादा, क्योंकि नीचे रोज़ का खाना स्टील के बर्तनों में हो जाता है। और ये मैंने ऊपर इसलिए रख रखे हैं, ये जो छोटे से बाउल में इसको वॉश करें ना, ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि ये मुझे जब मैं शॉप पे मैंने इसको देखा तभी मैंने इसको ले लिया, बहुत प्यारा लगा था छोटा छोटा सा एकदम इसे खेलने के लिए। बट ये मैं चटनी वगैरह के पर्पज़ से लाई हूँ, जैसे कि खाने के साथ चटनी होती है और समोसा वगैरह खाते कोई आता है तो दो तीन तरह की चटनियाँ होती हैं ना, तो उसके पर्पज़ से मैं ले आई हूँ। तो चलिए फटाफट से वॉश कर लेती हूँ मैं यहाँ पर पूरे बर्तनों को, और सबसे पहले मैं तब ट्रे वॉश किया है उसके ऊपर मैं सारे बर्तन रखूँगी, क्योंकि सारा पानी जो है ना तो पूरे उसमें फैलता है। तो इस तरह से मैं फटाफट से कर लेती हूँ और उसके बाद आपको लगा के दिखाऊंगी कि वो कांच का जो ग्लास है कैसे लगाते हैं, क्या करते हैं सब कुछ। तो इस तरह से हो गया है और अब मैं चढ़ गई हूँ ऊपर, और देखिए इस तरह से इसको सीधा सीधा अंदर के साइड कर देना होता है और बस ये लग गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ऊपर के साइड से इसमें आप नट लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, उससे और अच्छा टाइट हो जाता है। अब मैं यहाँ फटाफट से सारे बर्तन पोंछ के लगा लूँगी, और लगाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना अच्छा लग रहा है पहले और बाद में, कि कितना ज़्यादा पहले गंदा था और साफ़ हो गया है तो कितना अच्छा लग रहा है, इसलिए
क्लीनिंग वगैरह करते रहना चाहिए। देखिए आप सामने मेरी विंडो दिख रही है और एक उसके सामने बालकनी में जाने का गेट है, तो इस वजह से और बालकनी खुली भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए डस्ट बहुत ही ज़्यादा आती है, तो मेरा किचन बहुत गंदा हो जाता है बार बार। तो आप देख सकते हो इस तरह से मैंने फटाफट से सारे बर्तनों को अपने पोंछ के लगा लिया है, सजा दिया है। ये देखिए इस तरह से अब कितना सुंदर लग रहा है, मेरे को तो बड़ा अच्छा लग रहा है। ये देखिए ऊपर से, और अभी यही बर्तन कितने ज़्यादा गंदे लग रहे थे। तो बस यही था आज की क्लीनिंग जो कि मैंने इसमें आपको करके दिखा दिया है, और इसी तरह से आप भी अपने घर को फटाफट से करके साफ कर सकते हो ईजिली बिल्कुल। फ्रेंड्स आज आपने ही किस तरह से अपने पूरी क्रॉकरी यानी कि जो भी कांच के बर्तन थे मेरे पास जो मैं यूज नहीं करती हूँ उनको मैंने ऊपर की साइड लगा रखा है इस तरह से, देखिए तो किस तरह से मैं क्लीनिंग करती हूँ आज मैंने आपके साथ यही शेयर किया। देखिए विराट आ चुके हैं, ये आ नहीं चुके हैं कि जब से मैं कर रही थी तो घर पे कोई है नहीं, सारा समय मेरे पास ही रहा। और देखिए कैसे गर्मी में सेंटर बनियान पहन के बैठा हुआ है और बहुत ज़्यादा हेल्प कराता है, पहले तो मेरी अगर ये ना होता तो यहाँ पे तो शायद मैं इतनी ज़्यादा क्लीनिंग कर ना पाती, क्योंकि ऊपर चढ़ना उतरना बार बार धो के लाना लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए हमेशा मेरे साथ मेरी हेल्प रहता है। तो यही था फ्रेंड्स आज का ब्लॉग जो कि यहीं पे मैं एंड करती हूँ, और अगर आपको पसंद आया हो आज का ब्लॉग आज की क्लीनिंग तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, कि जो लोग फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स मुझे पढ़ना उनका रिप्लाई देना बहुत अच्छा लगता है, आपके कमेंट जब आते हैं तो मुझे पढ़ के बहुत अच्छा लगता है। तो इसी तरह से अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते रहिए और मेरे साथ बने रहिए, अपना प्यार इसी तरह से मेरे साथ बना के रखिए, धीरे धीरे मेरी फैमिली बढ़ रही है तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो मिलेंगे आपसे किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।